अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज जो है ना मैं वीडियो बना रही हूँ ईद की शॉपिंग की। तो चलिए जी, सबसे पहले देखते हैं ड्रेस नंबर 1 जो कि मैंने ख़रीदा है एथनिक से, और ये है टू पीस इस तरह से कि शर्ट है और इसके अंदर जो स्लिप है ना, ये टू पीस इस तरह से मुझे मिला था। ये एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ मैंने लिया है क्योंकि जो इसका स्टाइल है ना, क्योंकि वो थोड़ा खुला वाला बना हुआ है, तो ये मुझे एक्स्ट्रा स्मॉल पूरा है। इसकी देखें एम्ब्रॉयडरी बहुत प्यारी है, साइड के जो चौक हैं वहाँ पे भी बहुत प्यारी इसकी एम्ब्रॉयडरी हुई है। और जो कपड़ा है ना, इसको आई थिंक मैसूरी कहेंगे या पेपर कॉटन कहेंगे, मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन बहुत प्यारा है, कलर बहुत खूबसूरत है। और ये देखें इसकी जो प्राइस है ना, ये है 5,990। बहुत ही प्यारी डिसेंट कलर की जो है ना शर्ट है। और इसके साथ फिर मैंने ये शलवार अलग से स्टिच कराई है, कपड़ा लेके वाइट डाई कराया था, और ये दुपट्टा मैंने अलग से डाई करा के इस पर गोल्डन लेस लगा दिया, थोड़ा शादी शुदी में भी बंदा चला सकता है। इसके साथ जो स्लिप थी ना, वो बेसिकली लोन में थी, तो मैंने जो है सेम डाई करा के, जो मैंने ट्राउजर्स बनाया है सेम वैसा ही जो है ना बना के इसके साथ पूरा सूट तैयार किया है। अच्छा जी, उसके बाद ड्रेस नंबर 2 है जो मैंने सियालकोट से लिया था, बाटिक से। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था, इसकी बहुत ही डिसेंट, एक तो कलर बहुत प्यारा है डिसेंट सा, और एम्ब्रॉयडरी आप देखें बहुत ही डिसेंट है। आगे दामन पे भी एम्ब्रॉयडरी हुई है। मोस्टली मैं इसी टाइप के कपड़े पहनती हूँ, सिंपल एलिगेंट डिसेंट से, सॉलिड कलर और एम्ब्रॉयडर्ड। तो बाटिक जो है ना वहाँ पर ये बहुत अच्छी कलेक्शन आती है ये वाली। ये भी टू पीस ड्रेस है जी, शर्ट और ट्राउज़र्स। और इसका आप देख लें, इसकी जो प्राइस थी वो थी 6,490। ये ईद की इनकी न्यू कलेक्शन है, बाटिक पे बहुत जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। ये दुपट्टा मेरे पास ऑलरेडी नेट का पड़ा हुआ था, तो मैंने इसको जरा डाई करा लिया इसके साथ। अब जब पहनूंगी तो देखूंगी कि दुपट्टा इसके साथ सही लगेगा कि नहीं, लेकिन मुझे दिखने में ठीक ही लग रहा है। उसके बाद जो नेक्स्ट बात कर लेते हैं इस शर्ट की, ये है जे डॉट की शर्ट। ये भी सिंगल शर्ट ली थी मैंने और मेरी फ्रेंड ने इकट्ठे ली थी, और ये मैंने ना लास्ट सीज़न में ली थी, जैसे जब जैसे गर्मियाँ ख़त्म हो रही थी ना, उस टाइम हम लोग जे डॉट पर एंटर हुए थे, और हम लोगों को ना ये ड्रेस पसंद आया था। वहाँ पर ये थ्री पीस ड्रेस था, लेकिन थ्री पीस ड्रेस एक्सपेंसिव था, तो फिर एकदम हमारी नज़र इस शर्ट पे पड़ी, तो ये सिंगल शर्ट भी मिल रही थी, तो फिर हम लोगों ने ये शर्ट्स ख़रीदी। इसकी देखें गले पे बहुत ही सिंपल से बस बटन्स लगे हुए हैं और हल्की सी लेस लगी। इसके साथ मैंने ये दुपट्टा डाई कराया है नेट का, इस पर अभी मैंने लेसेस लगानी है, वो बस पड़ी हुई हैं, अभी टाइम नहीं मिला। इसकी प्राइस आप देख लें 3,490 है, बहुत ही खूबसूरत। उसके बाद जी मैंने एथनिक से, याद है मैंने आपको बताया था मैंने फ़्रॉक एक्सचेंज करके ड्रेस लिया, उस फ्रॉक की जो प्राइस थी वो थी कोई 7,000। तो उसके बाद फिर मैंने ड्रेस चेंज किया, तो मैंने ये वाला ड्रेस लिया था, इसकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा थी। ड्रेस आप देखिए बहुत खूबसूरत है, बाजू पे इसके एम्ब्रॉयडरी है बहुत प्यारा, ऑर्गेन्जा के ऊपर जो है ना काम हुआ हुआ है, जो इसके पैच लगे हुए हैं बाजू पे, और नेक जो है ना उस पर भी ऑर्गेन्जा लगा हुआ है, इवन इसकी बैक पे भी नेक जो है ना उस पर भी ऑर्गेन्जा का पैच लगा हुआ है। और ये देखेंगे जो साइड पे ना लेसेस लगी हुई, ये वाली लेस मुझे वैसे पसंद नहीं है, ये जो मोटी वाली है, लेकिन बाकी ड्रेस जो है ना बहुत प्यारा लग रहा है। आगे भी देखें दामन बहुत खूबसूरत। और ये हुआ है कि मेरे दोनों एथनिक के जो ड्रेसेस के कलर है ना वो सेम हो गए हैं। अब ये देखें ये बहुत प्यारा फ्रॉक स्टाइल में बना हुआ है, बहुत सिंपल सिंपल तो नहीं कहूँगी, लेकिन बड़ा ही खूबसूरत लग्जरी कलेक्शन है। ये भी ईद की न्यू कलेक्शन है, इसके साथ भी ट्राउजर्स है, ये भी टू पीस है शर्ट और ट्राउजर्स, और इसके साथ भी जो है ना मैंने दुपट्टा अलग से नेट का लेके डाई कराया है। और इसकी जो प्राइस है वो आप देख लें 8,990। मैं आपको बता रही थी एथनिक इस दफ़ा बहुत एक्सपेंसिव आया, तो मैंने तो एक्सचेंज करना था, फिर मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, तो फिर मुझे यही ख़रीदना पड़ा। इसके साथ मैंने ये दुपट्टा लिया था अलग से, ये दुपट्टा मुझे ना बाज़ार से 500 का मिल गया था, तो ये मैंने इसके साथ डाई करा लिया। उसके बाद नेक्स्ट ड्रेस पे जाते हैं जी, ये है लाइट ग्रीन कलर कहेंगे इसको, पैलेट कलर कहेंगे। ये इंस्टाग्राम पे एक पेज है बेसिक टेलर स्टिच के नाम से, और बेसिकली मेरी फ्रेंड है उन्हीं का ये पेज है, वो इसको रन करती हैं, उनका ही ये ब्रांड है, तो उनसे मैंने ये ड्रेस ख़रीदा है। क्योंकि ये कलर जो है ना इस दफ़ा बड़ा ही इन हुआ है ईद पे, हर ब्रांड ने ये ड्रेस बनाया है, और चिकनकारी तो आपको पता है वैसे ही बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। इसकी प्राइस आप देख लें, सेल प्राइस जो है वो 3,480, और ओरिजिनल प्राइस भी इस पर लिखी हुई है। बहुत प्यारा, ये इनके पास कुछ पीसीज रह गए थे और इन्होंने इस पर ऑफ लगा दिया था। ये देखें आप पीछे भी इसका बड़ा खूबसूरत इन्होंने डिज़ाइन किया है, बहुत प्यारा। और ये थ्री पीस ड्रेसेस है, अब ये देख लें कि इनके पास जितने ड्रेसेस थे ना, या टू पीस थे या थ्री पीस है, बल्कि ये थ्री पीस भी नहीं फोर पीस ड्रेस है, क्योंकि इसमें स्लिप भी इंक्लूड है, ट्राउजर्स है, शर्ट है, इसकी स्लिप है, और इसके साथ शिफॉन का दुपट्टा है। और बहुत 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 रीज़नेबल प्राइस में मिला है, कलर बहुत खूबसूरत है। इनके पास और भी चिकनकारी की बहुत सी कलेक्शन है, अगर आप देखना चाहते हैं तो इनका पेज विजिट कर सकते हैं और इनसे ऑर्डर कर सकते हैं, रिकमेंडेड, बहुत प्यारा।
इसके बाद जी खाड़ी से जो मैंने ड्रेस लिया था ये आप देख सकते हैं, मैंने आपको दिखाया था कि मैं खाड़ी का ड्रेस दिखाऊंगी। खाड़ी पे इस दफ़ा जो कलेक्शन आई है बेसिकली बहुत एक्सपेंसिव, और सिर्फ यही मुझे रीज़नेबल लगी थी। लेकिन इनका ये मसला ये है कि इन्होंने अब ऐसा कर दिया है कि शर्ट की प्राइस अलग से कट करते हैं, ट्राउजर्स की अलग करते हैं, तो मज़ा नहीं आता। पहले इनके 2 पीस आते थे, 3 पीस आते थे, बड़े रीज़नेबल पड़ते थे। अब आप देखिए सिर्फ शर्ट की जो प्राइस है ना वो 2190 रुपये है, और ट्राउज़र जो है वो फिर अलग से लेंगे और उसकी प्राइस इन्होंने अलग से कोट की हुई है, वो भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये अगर आप 2 पीस बना देते तो वो ज़्यादा बेहतर था, 3000 में बना देते। अब ये देखें इसकी जो प्राइस है वो 1190 है, ठीक है, इतने में ही पड़ रहा है। लेकिन बस उन्होंने अपनी जो है ना करनी होती है कि हमने अलग अलग ही बेच रहे हैं, लेकिन चलिए फिर भी ठीक है। अगर साइज़ का मसला हो जाता है समटाइम, जैसे मैंने शर्ट जो है ना 8 ली है, ट्राउज़र मैंने 10 लिया है, तो इस लिहाज से बेहतर है। उसके बाद जी नेक्स्ट ड्रेस पे आ जाते हैं। एथनिक का ये ड्रेस है, बहुत खूबसूरत रॉ सिल्क मटेरियल है, फुल एम्ब्रॉयडर्ड है, बहुत प्यारा है। मैंने ना बेसिकली ड्रेसेस प्रेस नहीं किए हुए, बस जैसे थे उठा के वीडियो बना दिए, तो इसलिए जो है ना वो ऐसा मरा मुरा आ रहा होगा, तो प्लीज़ इग्नोर इट। ये देखिए इसकी बाजू पे भी एम्ब्रॉयडरी है और शीशे जो है ना लगे हुए हैं, बहुत खूबसूरत पीस है। और आप इसको गर्मी में भी पहन सकते हैं और जो है ना फंक्शंस पे नॉर्मल जो है ना पहन सकते हैं आप इसको, फंक्शन वगैरह पे। जैसे मैंने जितनी भी लॉन की ड्रेसेस ली है ना वो ऐसे हैं जो आप किसी इवेंट्स वगैरह पे भी पहन सकते हो। ये देखिए इसकी बैक एम्ब्रॉयडरी भी बहुत खूबसूरत, ये भी 3 पीस ड्रेस है और रॉ सिल्क मटेरियल में जो है ना ये ड्रेस है। ये देखें इसकी जो शलवार बनी हुई है बहुत प्यारी, इस पर भी फुल एम्ब्रॉयडरी है। ये देखें कलर बहुत प्यारा है, लाइट मेजेंटा कलर है, बहुत खूबसूरत। और इसके साथ जो दुपट्टा है ना वो जेकॉर्ड स्टाइल में है। अच्छा ये मुझे मिला था ऑफ पे, इसकी ओरिजिनल प्राइस आप देख लें 12,990 और इस पर आई थिंक 40% या 50% ऑफ था, तो ये उसके बाद बन गया था 6,490 रुपये का, तो बहुत रीज़नेबल पड़ गया। ये इसका दुपट्टा है बनारसी टच, बहुत खूबसूरत 3 पीस ड्रेस है, बहुत प्यारा है। अगर आप इसको गिफ्ट करना चाहते हैं तो आप गिफ्ट भी कर सकते हो। ये एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ लिया था मैंने क्योंकि इसमें साइज़ नहीं था। उसके बाद जी रमज़ान का ख़त्म होते हुए ना बस चलते चलते मुझे ये ड्रेस बहुत पसंद आया। तवक्कल फैब्रिक्स के नाम से इनका पेज है इंस्टाग्राम पे भी और फेसबुक पे भी, और इनकी वेबसाइट भी है तवक्कल फैब्रिक्स के नाम से ही। तो इनके ड्रेसेस बहुत अच्छे होते हैं और प्लस बहुत रीज़नेबल होते हैं। तो मुझे इस दफ़ा रेड ड्रेस चाहिए था और मैं बिन सईद पे देख रही थी रेड ड्रेस, लेकिन वो आउट ऑफ स्टॉक हो गए थे सारे। तो फिर चलते चलते मुझे तवक्कल पे ये ड्रेस नज़र आया एक शॉप पे, तो मुझे बहुत पसंद आया। अब इसकी बाजू देखें इतने खूबसूरत है ना, ये देखें ऑर्गेन्जा इसके ऊपर लगा हुआ है और उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी है। बहुत प्यारा ड्रेस है, सेमी स्टिच्ड कलेक्शन है, 3 पीस ड्रेस है और बहुत ही रीज़नेबल इसकी प्राइस है 4790, मतलब 4800 में आपको 3 पीस मिल रहा है। लेकिन अनस्टिच है, सेमी स्टिच है, गला बना हुआ है, सिर्फ आपने जो है ना बाजू अटैच करने और साइड से सिलाइयाँ लगवानी है बस। लेकिन ये अब चूंकि टेलर ले नहीं रहे कपड़े तो अब स्टिच नहीं हो सकता, इसलिए जो है ना ये ड्रेस अब मैं बाद में सिलाई कराऊंगी। मैं भी बड़ी ईद पे सिलाई करा लूँ, अभी नहीं सिलाई कराऊंगी, ठीक है जी। उसके बाद ये आपको पेज से नहीं मिलेगा क्योंकि आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है, मैंने वैसे उनसे पूछा भी था। उसके बाद जी मैं सियालकोट गई थी द फैब्रिक स्टोर, वहाँ पे ब्रीज़े का एक भाई है छोटा, मतलब ब्रीज़े बहुत एक्सपेंसिव है तो उसका जो ये भाई है ना ये थोड़ा सस्ता वाला है, तो वहाँ से मैंने 2 ड्रेसेस ख़रीदे थे। एक ये वाला है ग्रीन, इस मेहंदी ग्रीन कलर कहेंगे, 2 पीस ड्रेस है, दुपट्टा अलग से मैंने लेके डाई कराया हुआ है, और जो दूसरा है वो स्टिच होने के लिए गया है, तो मैं आपको दिखाऊंगी जब होके वो आ जाएगा। उसके बाद जी ब्रीज़े से मैंने एक ड्रेस लिया था 2 पीस, ये जो है हल्की सी एम्ब्रॉयडरी है, ये देखें, ये बेसिकली जब मैंने ले लिया ना तो उसके ऊपर ये लिखा है ये दुपट्टा है, ठीक है। मैं तो इसको शर्ट ट्राउजर्स की सूरत में ही समझ रही थी, लेकिन ये बेसिकली दुपट्टा और साथ में शर्ट है या शलवार है व्हाटएवर मुझे नहीं पता, लेकिन जब ये स्टिच कराऊंगी तो फिर बताऊंगी कैसा बना। उसके बाद ये मैंने एक पीस ख़रीदा था शर्ट का नॉर्मल लोकल शॉप से, लॉन बहुत अच्छी है, और ये जब मैं उम्रे पे जा रही थी उससे पहले मैं स्टिच करने के लिए दे के गई थी कपड़े, तो ये अब स्टिच होके आया, तो मैंने कहा ये भी मैं आपको दिखा दूँ। इसकी बाजू पे ये देखें बहुत प्यारे लूप्स लगा के बटन्स लगाए हुए हैं, और ये अंगरखा स्टाइल में शर्ट बनी हुई है, लॉन्ग शर्ट है, बहुत प्यारी है, लॉन बड़ी अच्छी है, सॉफ्ट, गर्मियों में काम आएगी। गर्मी में ना आप ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी वाले काम वाले जो है कपड़े होते हैं ना वो नहीं पहन सकते हो, तो आप प्रिंटेड कपड़े ही पहनते हो, तो मैं तो बहुत ही सुकून महसूस करती हूँ ऐसे कपड़े पहन के। तो ये वाली जो शर्ट है बहुत प्यारी लग रही है, इसके साथ ब्लैक ट्राउजर्स पहने मस्टर्स पहने बहुत अच्छा लगेगा। ये भी जब मैं पहनूंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कैसा लग रहा है। अच्छा इसमें कुछ ड्रेसेस ईद के हैं और कुछ जो है ना ऐसे ही गर्मियों के ड्रेसेस हैं, तो आप ये ना समझेगा कि इतने सारे कपड़े मैंने ईद के लिए ले लिए, ऐसा नहीं है, बीच में सारी कलेक्शन है। और उसके बाद ये एथनिक का एक ड्रेस मैंने पहले लिया था, ठीक है, अभी नहीं लिया, तो ये इसकी वीडियो मैं आपको दिखा रही हूँ ड्रेस कैसा है। ये भी 2 पीस ड्रेस है, शर्ट और ट्राउज़र्स, बहुत प्यारा फुल एम्ब्रॉयडर्ड ड्रेस है, आप देख सकते हो
लॉन्ग शर्ट है और साथ में इसके जो है ना वाइड लेग ट्राउजर्स है, जिसको आप बॉक्स ट्राउजर्स भी कह सकते हो। ये देखो, और उसके साथ ट्राउजर्स पे भी ना इस तरह की एम्ब्रॉयडरी है जो बहुत प्यारी लग रही है। कलर कम्बिनेशन बहुत खूबसूरत है, ये देखिए लाइट ब्राउन सा कलर आप इसको कहोगे, बहुत प्यारा है। और ये इसकी प्राइस आप देख सकते हो 7,990 है। उसके बाद ये ऑफ पे भी शायद चला गया था, अब ये वैसे लास्ट कलेक्शन है, अभी आपको मिलेगा नहीं वेबसाइट पे। उसके बाद ये शनायर से फाइनली मैं ये ड्रेस ख़रीद चुकी हूँ। आपको पता है शनायर भी ब्रीज़ है कई बहन भाई है, तो बहुत एक्सपेंसिव होता है ये भी, और यहाँ से ड्रेस लेना ना बड़ा ही मुश्किल काम है। तो यहाँ से फाइनली मैंने ड्रेस ली, ये बेसिकली टू पीस ड्रेस है, शर्ट और दुपट्टा। ये देखिए शर्ट के ऊपर काफ़ी खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी हुई है, डिसेंट सी, और प्रिंटेड ड्रेस है बाकी सारा, और प्लेन सिर्फ गले पे हल्की सी एम्ब्रॉयडरी है। ये देखिए आगे भी प्रिंटेड है सारा, आगे से फ्रंट से भी और बैक से भी। और इसके साथ जो ट्राउजर्स है ना, वो बाय चांस मैच हो गया है। मेरे पास खाड़ी का एक ट्राउजर्स पड़ा हुआ था, तो वो जब मैंने ये ड्रेस निकाला वीडियो बनाने के लिए, तो वो ट्राउजर्स सामने आया तो बिल्कुल एग्जैक्ट मैच हुआ। ये देखिए इसकी प्राइस देख लें आप, 7,990 सिर्फ शर्ट और दुपट्टे की प्राइस है। लेकिन मज़े की बात ये थी, इस पर 40% ऑफ था, तो ये मुझे मिला था कोई 4,000 कुछ में। ये भी मैंने सियालकोट से ख़रीदा था, ठीक है। साइज़ इसमें सिर्फ एक ही पड़ा हुआ था, स्मॉल साइज़ था, तो उन्होंने कहा था कि एक्सचेंज नहीं होगा। मैंने कहा यार बहुत प्यारा है, बस मैं ले रही हूँ, अगर मुझे नहीं पूरा आया तो किसी को गिफ्ट कर दूँगी। तो फिर ये मैंने ख़रीद लिया था, ये इसका शर्ट और दुपट्टा जो है ना, ये टू पीस कलेक्शन है। ट्राउजर्स खाटी का अलग से मेरे पास पड़ा हुआ था, जो एग्जैक्ट मैच हो गया इसके साथ, तो इसको फिर मैं अब ईद पे पहनूंगी। ये देखिए इसकी अलग से प्राइस है 1190, ये मैंने अलग से ख़रीदा था, और ये इसके साथ सही मज़े से मैच हो गया, तो यही लग रहा है जैसे ये थ्री पीस ड्रेस है, बहुत प्यारा। ये अभी आपको मैं फाइनल लुक दिखा देती हूँ शनायर के ड्रेस की, बहुत प्यारे, इनके ड्रेस बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। उसके बाद जी खाड़ी से ही मैंने एक ये रॉम्पर कहेंगे, क्या कहेंगे, वट एवर जो भी कहेंगे, ये ख़रीदा था। अच्छा, ये मैं कराची से लेके आई थी, जब मैं कराची गई थी ना, तो वहाँ पे ये 40% ऑफ पे था, और डॉलमन मॉल से आई थिंक मैंने ये लिया था, बहुत प्यारा लग रहा था, मुझे ये लेने का बड़ा शौक था, तो मैंने सोचा अच्छा रीज़नेबल है, ऑफ भी लगा हुआ है, तो चले मैं ये ख़रीद लेती हूँ। तो ये देखें इसकी साइड पे पॉकेट्स हैं, और आगे बेल्ट स्टाइल में बना हुआ है। ये पहने में बहुत प्यारा लगता है, मैंने भी पहने हुए लोगों को देखा है, तो मुझे भी शौक आया था मैं भी ले लूँ। स्लीवलेस ड्रेस है, लेकिन इसके साथ मैंने प्लेन जो है ना शिफॉन लिया हुआ है, तो वो मैं इसके साथ स्लीव स्टिच करा के आपको दिखाऊँगी कि ये फाइनली कैसा लग रहा है। और इसकी जो प्राइस है, ये देखें ओरिजिनल प्राइस तो इसकी 3,990 है, लेकिन इसमें 40% ऑफ था, तो फिर आप देख लें कि आई थिंक 2,000 या इस तरह से कुछ में पड़ा था। उसके बाद ये एक ड्रेस है, ब्लड रेड कलर है, बहुत प्यारा। जैसे मैंने आपको बताया था, मैं रेड कलर लेना चाह रही थी तो मुझे मिल नहीं रहा था, तो ये एक ड्रेस है, ब्रीज़े की कॉपी है, ये ओरिजिनल नहीं है, ठीक है। आपको पता है ब्रीज़े की कॉपीज बाज़ार में बहुत ज़्यादा मिलती हैं, तो ये मुझे बड़ी रीज़नेबल मिली। ये देखिए आगे दामन में इसका पैच है। ये थ्री पीस ड्रेस है जो मुझे मिला था कोई 3,000-3,500 की रेंज में, और फिर ये मैंने टेलर से स्टिच करा लिया। ये इसका शिफॉन का दुपट्टा है, जिसपे मैंने लेस लगवाई है, साइड पे भी लेस है, और नीचे जो है ना वो थोड़ा बड़ी वाली लेस लगाई है। बहुत खूबसूरत है, कलर बहुत प्यारा है, और इसकी लॉन जो है ना बहुत प्यारी है, चुभने वाला नहीं है। और इसके ये देखिए इसकी बैक पे ना टेलर ने डिज़ाइन डाला है, बैक वाले घेरे पे। और इसके साथ जो है प्लेन ट्राउजर्स है, वो क्योंकि टेलर के पास था तो फिर मैं उसकी वीडियो शूट नहीं कर पाई। उसके बाद ये एक ड्रेस है, शॉकिंग पिंक कलर है, शॉकिंग पिंक और मैजेंटा का ना कम्बिनेशन कुछ इस टाइप का कलर है। ये फुल एम्ब्रॉयडरी ड्रेस है, मतलब बहुत ही हैवी वाला जो काम होता है ना, दबके वाला, ये वो है, दबके वाला नहीं, एक मतलब डोरी वाला ही काम है, लेकिन काफ़ी चुपने वाला काम है। ये देखिए इसका जो डिज़ाइन है ना, ये डाला है साइड पे, हमने थोड़ा सा पीस डाल दिया है एम्ब्रॉयडरी वाला। और ये देखें ये फुल एम्ब्रॉयडरी ड्रेस है, ये गर्मी में किसी शादी वगैरह पे आप पहन सकते हो। और नीचे इसके ऑर्गेन्जा हमने अलग से अटैच किया है, सीडी लेस लगाई है, और इसके अपने पैचेस भी बहुत ज़्यादा है। ये भी थ्री पीस ड्रेस है, और ये भी मुझे तकरीबन 35,000-4,000 में पड़ा है। ये भी किसी ड्रेस का रेप्लिका ही ड्रेस है, लॉन इसकी बहुत अच्छी थी। इसकी जो शलवार का डिज़ाइन है वो बहुत प्यारा बना है, ये देखिए लूप्स लगा के, बटन्स लगा के, और इस पर भी एम्ब्रॉयडरी, इसका दुपट्टा बहुत प्यारा है शिफॉन में। तो ये जी आप देख लें, और ये भी इस तरह से था कि मैंने रैंडमली ऑर्डर किया था एक पेज से, और ये देखिए इसका दुपट्टा बहुत प्यारा है। ये मैंने जो है ना इसके साइड वाले बॉर्डर उतार के तो दामन पे लगा दिया। उसके बाद ही फाइनली मेरा ईद का ड्रेस तैयार होकर आ चुका है, द फैब्रिक स्टोर का ड्रेस है। ये देखिए मैंने आपको बताया था मैंने दो ड्रेस खरीदे थे सियालकोट से, तो फिर मैंने टेलर की मिनती की प्लीज़ मुझे एक ड्रेस बना दें ईद के लिए स्पेशली जो मैंने खरीदा है, तो वो उसने फाइनली स्टिच कर दिया। ये देखें जी कलर बहुत प्यारा है, ऑरेंज कलर है, लेकिन बहुत खूबसूरत वाला ऑरेंज है। ये लेस मैंने उसको लेके दी थी, और डिज़ाइन उसको बताया था कि मुझे कलियाँ चाहिए और कलियों के बीच में ये लेस चाहिए। और इसके जो दामन पे पैच लगा है ये भी मैंने उसको ख़रीद के दिया था, ठीक है। बड़ी मेहनत की मैंने इस ड्रेस पे, ये ड्रेस बहुत प्यारा है, ये थ्री पीस ड्रेस है। अच्छा जी, तो फैब्रिक स्टोर बेसिकली ब्रीज़े के बहन भाई के टाइप का ही है, लेकिन थोड़ा रीज़नेबल है। अब ये ड्रेस मुझे थ्री पीस मिला था कोई 8,500 में,
और जब वो ग्रीन वाला ना वो टू पीस था तो वो मुझे 6,500 में मिला था। तो ये देखें इसके ट्राउज़र पे भी सेम ये डिज़ाइन डलवाया, और दुपट्टे पे मैंने इसके जो है लैस लगवाई है। ये लैसेस सारी मैंने खुद टेलर को लेके दी और उसको बताया। ये बहुत प्यारा ड्रेस है और ये जब मैं पहनूंगी भी मैं आपको दिखाऊंगी, ये बहुत खूबसूरत, स्टिच भी बहुत प्यारा हुआ है। मेरा टेलर जो है ना बड़ा ज़बरदस्त स्टिच करता है, और ये शुक्र है कि उसने स्टिच करके दे दिया ईद से पहले। मैंने उसे कहा था मुझे ये ड्रेस पर स्टिच करके दे दो। ये जिस ड्रेस की फाइनल लुक है, बहुत प्यारा ड्रेस है। उसके बाद जी बात करते हैं मेट्रो से जो मैंने जूते ख़रीदे। मैंने आपको बताया था इस दफ़ा बड़े महंगे हैं, कहीं पे भी ऑफ नहीं लगा हुआ, तो फाइनली मैंने मेट्रो से 3 से 4 जोड़े ख़रीदे हैं, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। बेसिकली मुझे एक ब्लैक जूता चाहिए था और एक स्किन जूता चाहिए था, क्योंकि ये ऐसे कलर है ना जो हर ड्रेस के साथ मैच हो जाते हैं। तो ये जो ब्लैक है ना, ये मेरे शनैन वाले ड्रेस के साथ तो परफेक्टली मैच होगा, और मैं वैसे भी मेरे ब्लैक ड्रेसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसके लिए मुझे ये ब्लैक सैंडल टाइप जूता चाहिए था। मुझे सैंडल्स बहुत पसंद है, तो बड़े कम्फर्टेबल थे, ये था भी बड़ा कम्फर्टेबल, वैसे भी बड़े कम्फर्टेबल होते हैं ये जूते, आपको पाँव स्लिप नहीं होता। तो ये मुझे मिला था कोई 1500 का, एक ही पेयर पड़ा हुआ था। उसके बाद ये जूता मैंने लिया था पिंक कलर का, ये मैंने सोचा था वो जो मेरा ग्रीन वाला ड्रेस है ना उसके साथ पहन लूँगी, और इसके अलावा वो जो एथनिक के मेरे लाइली कलर के ड्रेसेज है ना उसके साथ भी ये परफेक्टली मैच हुआ है, बहुत प्यारा लग रहा था। ये मुझे मिला था 800 पर इनका, इस पर कुछ ऑफ शॉफ चल रहा था, तो ये था भी सॉफ्ट सा जूता, तो फिर मैंने ले लिया, मैंने कहा ये भी थोड़ा काम आ जाएगा। और उसके बाद मैंने एक जूता लिया है स्किन कलर का, क्योंकि मेरा जो ईद वाला ड्रेस है उसके अंदर भी थोड़ा सा गोल्डन टच है, तो वो जो जूता है ना वो मेरा जो है ना चल जाएगा उस ड्रेस के साथ। और इसके अलावा भी बहुत से ड्रेसेस हैं जिसके अंदर आप स्किन या गोल्डन कलर ना करके पहन सकते हो, तो ये जूता भी बहुत प्यारा है, सैंडल टाइप ही है। ये मुझे आई थिंक 1600 या 1700 कुछ इस तरह का ही मिला है, इसका बिल मुझे अब याद नहीं है। और बहुत ही प्यारी सैंडल है, बहुत ही कोई खूबसूरत और बहुत प्यारी। तो आज की जो वीडियो मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी, बहुत लंबी हो गई है। इसके अलावा मैंने एक जूता मस्टर्ड भी ख़रीदा है, वो मैं आपको लास्ट पे दिखाऊंगी, आप लोग देखिएगा। अब बहुत ज़्यादा बोल के ना अब मैं बस हो गई है, रोज़े में आप इतना नहीं बोल सकते। उसके अलावा मैंने चूड़ियाँ ख़रीदी हैं, वो भी आपको दिखाती हूँ, नेल पॉलिश ख़रीदी है वो भी दिखाती हूँ। अच्छा, ये जो चूड़ियाँ ना, ये मुझे नहीं पता आपके शहर में कितने की दर्जन है, लेकिन मुझे ये 180 रुपये की एक दर्जन चूड़ियाँ मिली हैं। ये मैंने 3-4 जो है ख़रीदी हैं, मस्टर्ड, पैरेट, ऑरेंज और ब्लैक। और इसके अलावा ये मैंने 3 नेल पॉलिशेस ख़रीदी हैं, इनकी प्राइस मुझे नहीं पता क्योंकि उन्होंने इसका बिल नहीं बनवाया। तो ये मैंने बेबी चॉइस से सारी चीज़ें ख़रीदी हैं, बेबी चॉइस आपको पता है ये मीरपुर में। चलिए जी, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, बहुत ही लंबी हो गई है। टेक केयर, मुझे बर्दाश्त करने के लिए बहुत शुक्रिया। बाय एंड अल्लाह हाफिज़।